छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 7 मई को वोटिंग के साथ ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा। प्रदेश की 11 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के दिग्गजों ने जमकर प्रचार प्रसार किया है। किन दिग्गजों ने कहां कितनी सभाएं की हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 24 की तीसरी लड़ाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के आखिरी चरण में 7 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर होने वाली वोटिंग को लेकर दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंकी। तीनों चरणों में बीजेपी के नेताओं ने सबसे ज्यादा सभाएं की, तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने भी प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाया। छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का दम, पीएम मोदी ने की ताबड़तोड़ सभाएं। 8 अप्रैल को बस्तर में किया प्रचार। 23-24 अप्रैल को भी सीजी दौरे पर रहे पीएम। शाह ने खैरागढ़, कांकेर, कोरबा में की जनसभाएं। राजनाथ सिंह की दंतेवाड़ा राजनांदगांव में सभा। जेपी नड्डा और योगी ने भी किया प्रचार। राहुल गांधी ने बस्तर और बिलासपुर में की सभा। कांकेर, राजनांदगांव, कोरबा में हुई प्रियंका की सभा। खड़गे ने जांजगीर चांपा में किया प्रचार। इन सभी नेताओं के दौरों के बाद बीजेपी जहां क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी सभी 11 सीटें जीतने की बात कह रही है। रिजल्ट देख लीजिएगा 4 जून तक। अब 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है। आप लोग मस्त घूमने जाइए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होइए, और 4 तारीख को देखिएगा कि 11 के 11 कमल फूल मोदी जी को समर्पित होंगे छत्तीसगढ़ से। देखिए, हमारे तमाम बड़े नेता, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, हमारे खड़गे जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, तमाम बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है। इससे देश को फायदा, इससे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से, जनता से सीधा उन्होंने संदेश दिया है कि हमारी सरकार आने पर हम लोगों ने सभी वर्गों के लिए जो घोषणा पत्र, न्याय पत्र बनाया, उससे सभी लोगों को फायदा होगा। इससे अच्छा संदेश गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में छत्तीसगढ़ में माहौल बना है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी 9 तो कांग्रेस 2 पर काबिज है, लेकिन इस बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप के इरादे से जान झोंकी, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी सीट बढ़ाने के लिए जमकर प्रचार किया। अब इसका फायदा किसको कितना मिलेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।